रहे हैं। 2 साल हो गए जी आर्मी की तैयारी करते हुए, भर्ती आ नहीं रही है, एज मेरी निकल चुकी है, 21 से ऊपर हो गया। 4 बार भर्ती आती है, 4 बार पोस्टपोन्ड होगी, टाइम इतना आ गया तो भर्ती आती है, 4:35 का टाइम हो गया मेरा जी। मारते मारते पैर दुखने लग जाते, मेरे घर वाले खर्चा नहीं देते, कब तक खर्चा निकाल लेंगे हम। मेरी 2 साल की छूट चाहिए जी एज में मेरे को, बस यही मांग है मेरी, और जल्दी से भर्ती आ जाए 1-2 महीने में, बाकी तो क्लियर मैं कर ही दूँगा। उनको ये कहूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पहुँचे और अब आर्मी के लिए समर्थन दे, भर्ती सरकार जल्दी लेके आए, इसके लिए बोलूँगा मैं सबको। सबकी एज निकल रही है और सबको जॉब चाहिए, बेरोज़गारी। सरकार तो रैली आती है तब कोरोना चला जाता है, होता है चला जाता है, जब भर्ती आती है तब कोरोना फिर वापस आ जाता है, ये तो गलत बात है। और क्या, रैलियाँ चल रही हैं, भर्ती कोई आ नहीं रही 2 साल से। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको अपना फ्यूचर की अगर थोड़ी बहुत चिंता है तो जब सब बच्चों का समर्थन देना चाहिए। जो बच्चे आ रहे हैं उधर, उनको अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर उनका जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको उसका पूरा समर्थन करना चाहिए। और एक मैं सरकार के मतलब अकेडमी के माध्यम से अल्टीमेट मतलब सुझाव देना चाहता हूँ सरकार को, कि जो उन बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 18 साल में स्टार्ट किया उन्होंने ट्रेनिंग आर्मी की तैयारी करने के लिए, बट उनकी 21 साल एज होगी, भर्ती आई नहीं उनकी, तो उनको तो ये अपने देश के प्रति जो उनको जज्बा था आर्मी में जाने का, वो पूरा हो नहीं पाया। तो हरेक बच्चों को इस प्रकार से मौका, एक चांस कम से कम जरूर मिलना चाहिए। उसके बाद सेलेक्ट होता नहीं हो तो उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है, बट मौका सबको मिलना चाहिए। एक आर्मी है इतनी बड़ी संस्था है जिसमें सबसे ज़्यादा युवा भर्ती होते हैं और एक बेरोजगारी सबसे जल्दी से जल्दी मतलब ख़त्म होने की कगार पर आती है। अगर आर्मी की भर्तियाँ ही बंद हो जाएंगी तो इस प्रकार से तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैलेगी, और जो बच्चे, जिन बच्चों के अंदर इतना जुनून आर्मी में जाने का, उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा।